क्या है कुछ सिस्टम, सब टैक्स के पैसा कहाँ जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं, ये कोई पहचान ही नहीं है स्मार्ट सिटी की। एक स्मार्ट सिटी है वो बिल्कुल, तो ये बस बोलने की बात है कि हम स्मार्ट सिटी बना लेंगे। एग्जाम्पल है यार से नहीं है, शुरू से चल रहा है, ड्रेनेज प्लानिंग ही इंटरप्टेड है। सर आप देख रहे हैं न्यूज 24, मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ वाल्मीकि कॉलोनी, जो कि फुलवारी शरीफ से आप एम्स की तरफ बढ़ते हैं तो जस्ट एम्स के बगल में ही ये कॉलोनी पड़ती है। और जैसा कि आप सभी को पता है अभी तो बरसात का मौसम है नहीं, लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर पानी आपको दिखेगी। तो मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितने मतलब पानी यहाँ पे नाले की जमा है, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियाँ भी हो रही है। और अगर किन्हीं को अगर एम्स जाना है तो इसी पानी में घुसकर उन्हें जाना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही साइड नहीं, यहाँ पे दोनों साइड मतलब यहाँ पे पानी लगा हुआ है, जिसके कारण लोगों को ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये रोज़ की कहानी है कि मतलब इतना पानी यहाँ पे हर एक दिन जमा हुआ रहता है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं स्कूल से लौट रहे हैं या फिर कोई भी आदमी अगर यहाँ से होकर गुजर रहे हैं तो उन्हें इस नाली के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। देख सकते हैं आप हमारे कैमरे के माध्यम से यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अगर स्कूल से अगर घर के तरफ भी जा रहे हैं तो उन्हें ये नाली का पानी का सामना करना पड़ रहा है। जी ये जो नाली का पानी जो यहाँ पे जमा है, सरकार तो बहुत तरह की वादे करती है कि पटना और बिहार को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या लगता है कि ऐसा अगर रहेगा तो स्मार्ट सिटी बनेगा कभी पटना? बिल्कुल नहीं, ये कोई पहचान ही नहीं है स्मार्ट सिटी की। एक स्मार्ट सिटी है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, पानी वगैरह निकलने का उसमें व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बस बोलने की बात है कि हम स्मार्ट सिटी बना लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुधार करना है, जिसमें एक हमारे सामने ये है। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल है। जी 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 सर आप क्या बोल रहे हैं बताएंगे? ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यार से नहीं है, शुरू से चल रहा है। आदमी आने जाने वाले ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, हम मारेंगे मोटरसाइकिल वाले छींटा, पूरे कपड़ा उनका जो है गीला हो गया। सर ये जो मैं आपसे बस इतना पूछना चाहूँगा, ये कहाँ से ये नाले का पानी इतना रोड पे आ चुका है? और हमको तो लग रहा है क्या कि एक तो नाला ओवरफ्लो कर रहा है पहला, और दूसरा है कि जो बड़े बड़े अपार्टमेंट वगैरह बन गए हैं उनको अपना निकासी का साधन नहीं है, वो सब रोड पर पानी छोड़ रहे हैं। मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पे एक इस पानी को यहाँ पे जमा ना हो, जिसके कारण यहाँ पे एक निकासी भी बनाए थे ये लोग खुद से, लेकिन उसको भी अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे सरकार को जरा सा भी ध्यान नहीं है इसके बारे में। आप देख सकते हैं पीछे एम्बुलेंस आ रही है पानी में, मतलब घुसकर ये एम्बुलेंस आ रही है मतलब नाली के पानी में, तो एक तरह से कहा जाएगा कि कितनी दिक्कत है यहाँ पे। आप देख सकते हैं वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो क्या मतलब नाले के पानी में घुसकर कैसे जाएंगे, इसलिए साइड से वो अपना रास्ता बना रहे। आप देख सकते हैं वहाँ भी खुले हुए चैम्बर्स हैं जिसमें अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर पैर छटकता है तो वो उस नाले के मतलब गटर में गिर सकते हैं, जो कि एक अनहोनी होने की आशंका है। तो आप मैं आपको बताना चाहूँगा और यहाँ के लोगों से भी बातें करूँगा कि ये जो नाली का पानी यहाँ पर जमा हो रहा है इसे कितने तरह की दिक्कतें यहाँ के लोग उठा रहे हैं। अरे जो अपार्टमेंट है वो यहाँ रोड पर पानी, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से यहाँ पे बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, लेकिन इनके पास भी कोई नाला का सुविधा नहीं है, नाला का सुविधा नहीं है, ये जो पानी जो छोड़ रहे हैं तो रोड पे ही छोड़ रहे हैं, तो इसके बारे में सरकार को सोचने की ज़रूरत है। जी बताएंगे क्या बोल रहे हैं? ड्रेनेज प्लानिंग ही इंटरप्टेड है, पूरा ड्रेनेज प्लानिंग एक करना होगा। और हम लोग पहले भी इसमें बोल चुके हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बदलिए, पूरा ओल्ड ड्रेनेज सिस्टम है या 20 साल 30 साल पुराना है और चारों तरफ पॉपुलेशन बस गई सर, अब यहाँ तो प्रॉब्लम आएंगे ही। लेकिन जब कोई बड़ा आदमी अभी अमित शाह जी आए थे तो अब ड्रेनेज सब सही हो गया दो दिन के लिए, और फिर दो दिन के बाद देखिए हम लोग का क्या हालत है। एक कोई सुध लेने वाला नहीं है इस राज्य में, इस जगह पर कोई सुध लेने वाला नहीं है सर। सर क्या लगता है कि मतलब पटना को नीतीश सरकार कहती है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी बन रहा है पटना? सर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट सिटी, या तो स्मार्ट सिटी का एक अच्छा उदाहरण है जो आप देख रहे हैं कि अगर इसी को स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं तो सर हम लोगों को ऐसा स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए सर, हम लोगों को बेटर ड्रेनेज सिस्टम चाहिए सर, हम लोगों को प्रॉपर आए जाएँ। हम लोग का बगल में स्कूल है, टीचर हैं सर, आने में इतना प्रॉब्लम है कि देखिए कैसे कैसे हम लोग आ रहे हैं, इसको कोई लेने वाला नहीं है, मंत्री यहाँ है, नगर निगम है, हम लोग उसको टैक्स देते हैं,
क्या है कुछ सिस्टम, सब टैक्स के पैसा कहाँ जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो एक तरह से मेन रोड हुआ एम्स जाने के लिए, तो यहाँ से ही गुजर कर आदमी एम्स जाते हैं, तो जो भी पेशेंट है रोगी है उनको इसी पानी से गुजार कर ले जाया जाता है। बिल्कुल, पेशेंट का तो यह हाल है सर कि मैंने देखा है कि वो जो एम्बुलेंस है वो उनका कोई यह नहीं है और एम्बुलेंस में रोगी तड़प रहा है और रोड सड़क जाम है इसके वजह से। अब ट्रक्स आ जाते हैं सर, बगल में इंक्रोचमेंट भी बहुत है, इंक्रोचमेंट भी एक बहुत बड़ा समस्या है सर, प्रॉब्लम है इस रास्ते का। अब रास्ता कुछ और है, चौड़ा मैप में कुछ और है और लोग उसको इंक्रोच कर लिए हैं सर। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है इसमें काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। यहाँ पे पानी लगी है, यहाँ तो आपकी दुकान है तो यहाँ पे लगभग जाम की भी मतलब समस्याएं होती होंगी, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी सर, होता ही है सर, यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह भी पहुँच जाता है सर, रोज गाड़ी स्लिप खाता है, लगभग 3 सालों से ये स्थिति बना हुआ है सर। ये दुकान कितना प्रॉब्लम हो रहा है सर, यहाँ पर बिजनेस भी बड़ी दिक्कत हो रहा है, लोग आना ही नहीं चाहता इधर, ये 3 साल से बना हुआ है। क्या मतलब जो यहाँ से एम्स जो जाती है एम्बुलेंस वो जाम में फंसी रहती है इस पानी की वजह से? जी हाँ सर, फंसा ही रहता है सर, लगभग डेली जो जाम लगा रहता है यहाँ पर, कोई ना कोई गाड़ी से स्लिप खा रहता है, जाम लगा रहता है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ऐसा वादा करते हैं कि पटना को स्मार्ट सिटी बना रहे, क्या यही स्मार्ट सिटी है? ये स्मार्ट सिटी कैसे होगा सर, ये एम्स रोड का ये हालत है अभी, यहाँ पर कितने नर्स कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा 3 साल से लगभग है। 3 साल से इसके बारे में कोई भी यहाँ नहीं आ रहा है देखने के लिए, ना इसके बारे में कोई विचार की जा रही है? नहीं, कितना मंत्री यहाँ पार होता है, जब मंत्री पार होता है तो एक दो दिन के लिए पानी निकाला जाता है और फिर वापस से यही हो जाता है। मतलब आपका यही कहने का मतलब है कि जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी जो हैं, जो मंत्री हैं, उनके लिए बस साफ सुथरा किया जाता है, आम जनता इसी पानी में होकर गुजरे? जी हाँ, आम जनता इसी तरह से गुजरती है, 2 दिन पहले ही साफ सफाई हुआ था और फिर से वापस ऐसे ही हो गया है। लोगों का भी यही पूछना है कि क्या यही स्मार्ट सिटी है, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में सरकार को सोचने की ज़रूरत है। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए देखते रहें आप एक न्यूज़ 24, मैं वेद सिंह सहयोगी राहुल के साथ पटना।